या सौदा मैया, तेल लगाने के बाद ही असली मालिश प्रारंभ होगी। अपने भाई की सहायता करने आने के लिए धन्यवाद बहन योगमाया। चिंता मत करना नीलमणि, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी मैं। परेशान मत हो मैया, हम दोनों कुछ नया सीखेंगे आज, बहुत आनंद आएगा। कोमलता से लल्ला के हाथ पैर को ऐसे दबाना होता है। मुझे तो लगा था ये सब आसान होगा, क्या कर रही हो योगमाया? मेरे तन को ऐसे क्यों मरोड़ रही हो? ऐसे अब पीठ की बारी है। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये अत्याचार समाप्त हुआ। है? अब मुझे उल्टा क्यों कर दिया? संभाल के योगमाया। आप चिंतित ना होइए। बाकी है क्या बहन? रीढ़ का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है। मुझे पता नहीं था स्नान करना इतना कठिन भी हो सकता है, इससे आसान तो संसार संभालना है। वैसे तो एक माता अपनी पुत्री को संसार के विषय में सब कुछ सिखाती है, किंतु यहाँ पुत्री अपनी माँ की सहायता एक माँ की तरह कर रही है। सिखा रही पुत्री, देखो सीख रही है माँ, पर ना पाए पहचान है न्यारी प्रभु लीला। बहन भाई की सेवा करती देखे गोपियां, संबंध अनोखा सबके समूह, पर कोई जाने ना, पर कोई जाने ना। सूर्य देव की किरणें लल्ला पर पड़ने दो मैया, धूप से ही तो इसे आवश्यक शक्ति मिलेगी, जिससे इसकी अस्थियां और तन शक्तिशाली बनेगो। मैं तो तुम्हें देखकर प्रसन्न था योगमाया, मुझे लगा था तुम मेरी मैया का कष्ट दूर कर दोगी, पर तुमने तो मेरा ही कष्ट बढ़ा दिया। बहन होने का पूरा लाभ उठा रही हो तुम। अब हम इसे हल्दी और बेसन के मिश्रण से नहलाएंगे और संभ्रानी से सुखाएंगे। अब ये अजीब सी वस्तु क्या है? ये चिपचिपा रही है, किस बात का दंड दे रही हो बहन? आहा।
मुझे पता है आप बहुत चिंतित हैं यशोदा मैया, पर नारायण पर भरोसा रखे, सब अच्छा ही होगा। इतनी सावधानी के बाद भी वो कपटी विष्णु मुझे धोखा देने में सफल हो गया। दुष्ट है वो, छलिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर छल का प्रयोग करके जीत जाएगा, मार डालेगा वो विष्णु मुझे। आप सभी भली भांति परिचित हैं मुझसे, जानते हैं मेरे स्वभाव को। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर आ जाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। किंतु सत्य ये है कि आज मुझे भय लग रहा है। महाराजा अधिराज कंस, जिसकी एक ओंकार पे संपूर्ण संसार कांप उठता है, आज उसे भय लग रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भय आपके सम्मुख भटक भी नहीं सकता। क्या आपको स्मरण नहीं हम आपके मित्र कैसे बने थे? मैं भूमासुर, ये बकासुर, और वहां बैठे वत्सासुर और वाणासुर। जीवन भर में जो भी हमारे सम्मुख आया, हमें उसे यमराज के पास भेजने में एक क्षण भी नहीं लगा। किंतु फिर वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। विश्व विजयी असुरों को आपने सहज ही पराजित कर दिया। एक ऐसा अभूतपूर्व योद्धा महाबली कंस आज भयभीत हो रहा है। यह संभव है महाराज? जिसने आपको भयभीत करने का दुस्साहस किया है, उसके प्राण हरने का समय आ गया है महाराज। विष्णु के विरुद्ध हम सभी आपके साथ हैं। महाराज, तुम सबकी मित्रता मेरी शक्ति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब उस विष्णु अवतार को ढूंढने में मेरी सहायता करो। सोचो कैसे खोजा जा सकता है उसे, कहां मिलेगा वो? विष्णु, विष्णु, बातें तो बहुत अच्छी कही, किंतु ये क्या कर रही हो? मत डालो, नहीं, नहीं। आह, अब आया आनंद। योगमाया, तुम्हारा धन्यवाद। सचमुच ये अत्यंत आनंददायक है। किंतु सत्य कहूँ बहन, मैया की गोद से अति सुखद और कुछ भी नहीं है। विष्णु कोई भी रूप धारण कर सकता है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? बल का प्रयोग आसान है वत्सासुर, बुद्धि का प्रयोग करो, कुछ भी करना पड़े करो, किंतु उपाय खोजो। मिल गया उपाय, मैं जानता हूं उसे कैसे खोजना उस छलिये को। शीघ्र बताओ बकासुर, क्या सुझाव है तुम्हारा? विष्णु जैसा व्यक्ति वही निवास करेगा जहाँ सत्य और शांति व्याप्त हो, जहाँ गायों की पूजा होती हो और बच्चे बिना किसी भय के सुरक्षित वातावरण में खेलते हों, जहाँ ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हों, जहाँ यज्ञ हवन होता हो, ऋषि मुनि तप करते हों, जहाँ विष्णु के भक्तों को पूजा आराधना करने की स्वतंत्रता हो,
वाह बकासुर वाह, बिल्कुल सटीक वर्णन किया है तुमने उस विष्णु के प्रिय स्थान का। बस अब हमें केवल विनाश का नृत्य करना है। ऐसे सभी स्थानों की शांति भंग कर देनी है, यज्ञ स्थलों को भ्रष्ट करना है, मंदिरों को नष्ट करना है, ब्राह्मणों को आतंकित करना है, गायों को छीनना है और उनकी हत्या करनी है। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए वो समाज रक्षक विष्णु स्वयं सामने आने पर विवश हो जाएगा और मैं उसका आसानी से अंत कर दूंगा। एक नवजात शिशु की हत्या करने में क्या कठिनाई आएगी भला? जी लो मैया, हो गया। माय, मुझे ये सब सिखाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे बड़ा अपनापन सा लग रहा है आपके साथ, किंतु कभी मिले हो ऐसा स्मरण ना हो रहा है, समझ ना आ रहा है संबंध ही क्या है हमारा। मैया पुत्री का संबंध है हमारा। अरे मेरी बिटिया की तरह ही तो हो तुम। तो फिर आप ही बताओ माई, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने लल्ला के लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बन पाऊं? संसार की सबसे अच्छी मैया ही हो तुम। सदैव स्मरण रखना, तुम दोनों का मैया लल्ला बनना विधि का विधान है, विधाता की इच्छा है, श्री हरि नारायण का वरदान है ये। तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना, अपने लल्ला की मैया, इसलिए तो आया है ये संसार में। मैया का कर्तव्य निभा पाना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्या पता मैं जे निभा पाऊंगी भी कि ना। निभाओगी, बहुत अच्छे से निभाओगी तुम अपना कर्तव्य, इसीलिए तो चुना है इसने तुम्हें। जाओ, कोई जाकर लल्ला के वस्त्र ले आओ। यशोदा, क्षमा करना यशोदा, मेरा पुत्र रोने लग गया था, उसे सुला कर आई। ये लो मेरे पुत्र के वस्त्र, नीलमणि को पहना दो। पुराने वस्त्र? यशोदा, नवजात शिशु को पुराने वस्त्र ही पहनाने चाहिए, नए वस्त्रों से कोमल त्वचा को रगड़ लग जाती है। बस एक बार इसे वस्त्रों की आदत लग जाए, फिर तुम्हें जैसे वस्त्र अच्छे लगेंगे वैसे पहनाना। जीजी, जिन्होंने लल्ला को नहलायो मालिश की, वस्त्र भी उन्हें ही पहनाने चाहिए। नहीं माई, यशोदा किसे ढूंढ रही हो? लगता है चली गई। कौन?
अरे चिची वही जिन्होंने अभी मेरी सहायता की। चिची मुझे ऐसा लगो जैसे मेरा कोई विचित्र सा संबंध है उनके साथ। मैं भी कैसी बावली हूँ, ना मैंने उनका नाम पूछो ना ही मैंने उन्हें कुछ दिया। आपने मुझे अपने हृदय से लगाया मैया, मेरे लिए संसार की समस्त नीतियों से बढ़कर है वो। यशोदा तुम कहाँ खो गई, चलो अभी लल्ला को तैयार भी तो करना है। बाहर सारे ग्रामवासी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं, चलो। बस एक बार वो बालक मेरे हाथ लग जाए। प्रतीत होता है आप कोई नई लीला दिखाने वाले हैं प्रभु। लल्ला का हाथ न छुड़ा पा रही मैं, नवजात बालक में इतनी शक्ति। इससे पहले कि मैया को संदेह हो, मालिश कराते ही अद्भुत शक्ति आ गई है तुम्हारे लल्ला में। चलो यशोदा आप शीघ्रता करो, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया है इसके दर्शन के लिए, सब बहुत आकुल है, अलग पावड़े बिछा कर इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक एक करके आइए, हमारे लल्ला से मिलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रथम हूं, सबसे पहले मैं मिलो हूं। मेरी गोकुल के दुलारे नंदलाल नारायण जी से प्रार्थना है, तुम बड़े होकर हमारे राजा बनो और अनंत काल तक तुम हम सबकी रक्षा करो।
कभी कभी पति की बात भी मान लिया करो। अब एक बार सही होने से ना फूलो मत। लल्ला के मन की बात उसकी मैया को ही पता होती है, और इस समय मेरे लल्ला को नहाने हैं, है ना लल्ला? हाँ मैया, बस अब शीघ्र ही मुझे नहला दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब मैं अपने लल्ला को अच्छे से नहलाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस माई ने सिखाया था। मैया, आपको नहीं पता कि आपका ये निर्णय कितने निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने वाला है, क्योंकि आपका लल्ला एक अद्भुत लीला करने वाला है। पहले करूंगी तेल मालिश और फिर थोड़ी सी कसरत। लगे को लल्ला को चिपचिपा उबटन। को सुखानो है ना, तो मैया और लल्ला बैठेंगे धूप में। ये हुई ना बात, थोड़ी गर्मी का अनुभव करना भी आवश्यक होता है मैया। अरे मूर्खो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पानी लो, बचाओ मुझे। बस बस हो गयो लल्ला, केवल नहाना बाकी है। परम पराक्रमी महाराज कंस का सेनापति हूं मैं, अभी विष्णु भी मुझे रोक नहीं सकता। पानी बहुत गर्म तो ना है? तेरे लिए तो नहीं, पर इन राक्षसों के लिए बहुत गर्म है ये जल। हाँ।
कैसी माया है? स्नान समाप्त हो गई तेरी छुट्टी है नीलमणि। राक्षसों की भी छुट्टी हो गई मैया और गांव वालों को उनसे मुक्ति भी मिल गई। पर अब मैं थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। अच्छा लल्ला, जब मैं दूध पिला रही थी तो पीना ना था और अब बिलक बिलक के रो रो है। यशोदा, नीलमणि दिख तो मेरे समान है किंतु इसके नखरे तुम्हारे जैसे। पंडित जी आइए। मैं तो पंडित जी के बारे में बताने आया था, लल्ला के षष्ठी पूजन के बारे में कुछ। अब तो जी 6 दिवस का हो जाएगा। हाँ यशोदा रानी, उस दिन से आप अपने लल्ला को नया वस्त्र पहनाएंगी। मैं सबसे अच्छे वस्त्र चुनूंगी अपने लल्ला के लिए। पंडित जी, आप केशव भैया से कह देंगे आने को? आसपास के सभी गांव में ना सबसे अच्छी पोशाक वही सिलते हैं। यशोदा, तुम पंडित जी को काम सौंप रही हो, मैं चला जाऊंगा। अरे पर केशव भैया का घर देवी मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है, पंडित जी को कोई कष्ट ना होगा, है ना पंडित जी? हाँ यशोदा रानी, कष्ट का प्रश्न कहाँ उठतो है, मैं संदेश दे दूंगा। आज्ञा दीजिए। अब मैं अपने लल्ला के लिए ऐसे वस्त्र सिलवाऊंगी जो आज तक पूरे गोकुल में किसी और बालक ने ना पहने हो। ये क्या है देवकी? ये देखिए स्वामी, ये वस्त्र मैंने अपने ध्यान रखिए देवकी, यहाँ की वायु भी कंस की कुप्चर है। किंतु स्वामी तो बताइए, ये वस्त्र कैसा है? ये वस्त्र नहीं, अपनी ममता सी ली है आपने, उस पे ये वस्त्र बहुत अच्छा लगेगा। आप समझ क्यों ना रहो के सब भैया, बस वही वस्त्र दिखाना जो मेरे लल्ला पे सबसे अच्छे लगे। हाँ जे देखिए, अभी तक एक में भी आनंद ना हो है के सब भैया, है कि नहीं नीलमणि? जे भी ना बोल रहे है, आप और दिखाओ ना। इतने सारे वस्त्र पहनो तो कोई एक ही है ना यशोदा? हाँ किंतु छांटना तो पड़ेगा ना, सबसे अच्छा वाला पहनाना है कि ना? केशव भैया वो वाला दिखाओ। जे वाली? हाँ लल्ला। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को षष्ठी उत्सव के दिन सबसे अच्छे वस्त्र पहनाए। किंतु क्या ये वस्त्र उसके नाप का है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखता है। ये पहरेदारों ने दिया है देवकी, हम देवकी हम
शांति ग्रह में नहीं है, किंतु सच तो यही है, हम कंस के बंदी हैं। काश कोई उपाय होता, किसी प्रकार हमारा पुत्र तुम्हारे सिले ये वस्त्र पहन पाता। काश। श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखता है। विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। लल्ला जी अच्छी लगी? यशोदा ये सब क्या है? नारायण का धन्यवाद जो आपको भेज दियो भाभी। एक वस्त्र के चुनाव में सुबह से दोपहर हो गई, मैं तो उचित चुनाव में सहायता करना पायो, परंतु आप अवश्य कर दोगी, पूरा भरोसा है मुझे। मैं चलतो। क्या करूं जीजी, कोई वस्त्र मिलनो भी तो चाहिए ना, जो मेरे नीलमणि के योग्य हो। समस्या तो गंभीर है, किंतु महारानी जी इससे अच्छे वस्त्र आपको पूरे मथुरा मंडल में और कहीं नहीं मिलेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, हम ऐसे वस्त्र ढूंढेंगे जो हमारे राजकुमार को बहुत अच्छे लगे, है ना नीलमणि? है।
ये वस्त्र इसी के नाप का है। ये बिल्कुल सही नाप है स्वामी। बोलो पुत्र, कैसे लगे ये वस्त्र? हम नीलमणि से ही पूछ लेते। बताओ लल्ला, तुम्हें कौन से वस्त्र अच्छे लग रहे हैं? बताओ। हाँ, बस एक बार संकेत दे दे लल्ला। हमारी एक टुकड़ी घायल अवस्था में वापस आ चुकी है। अवश्य ही कुछ बुरा हुआ है उनके साथ। तुम दोनों सतर्क रहना, हमारे कंस महाराज कभी भी आ सकते हैं। अवश्य हमने स्वप्न देखा होगा देवकी। यदि स्वप्न था तो मेरे बनाए वस्त्र कहां गए स्वामी? देखो, लग तो है इसने स्वयं ही अपना वस्त्र चुन लियो है। जे वाला दिखाइए। कौन सा? जे वाला? हाँ, जे वाला। अब उठाया है आपने सही वस्त्र। क्या केशव भैया, तब से जे सिली हुई पोशाक रखो है आपने, और हमें तब से आप पूरा वस्त्र दिखा रहे थे। अर्थात हमारा पुत्र हमारे पास ना होकर भी हमारे साथ ही है। सही कहा स्वामी, हमारे पुत्र को मेरे बनाए गए वस्त्र पसंद आए। उसने हमारी भेंट स्वीकार कर ली। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। ये लीला मेरी नहीं देवी, मां की ममता की है। मुझे तो बस अपने कर्तव्य का भान है। दो दो माओं का पुत्र होने के नाते मैं उन दोनों में से किसी की भी इच्छा को अनदेखा नहीं कर सकता। मैं वरदान देता हूं कि यदि अब से कोई भी
मेरी मूर्ति को अपना पुत्र समझकर अपने घर में पालेगा तो मैं स्वयं उस घर में उनका पुत्र बनकर निवास करूंगा और लड्डू गोपाल कहलाऊंगा। प्रभु आप जहां होंगे मुझे तो वहां होना ही है। आज से मैं भी उस घर में सुख और समृद्धि के रूप में वास करूंगी और उस घर के प्राणियों की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज क्योंकि मेरी मैया भी प्रसन्न है और माँ भी।